दीपावली कैसी हो? दीपावली खुशियों से भरी हो, सभी के लिए मंगलकारी हो, और विशेष रूप से जो गरीब वर्ग है जिसको दो वक्त का भोजन नहीं मिल पाता, उसके लिए भरपेट भोजन वाली हो, ये कल्पना देश का व्यापारी समाज करता है। हम ये भी चाहते हैं कि सारे लोग मिलकर इस बात का प्रयास करें कि आपके आसपास रहने वाले, आपके आसपास बसने वाला कोई भी व्यक्ति दीपावली के त्योहारों में भूखा नहीं सोए। दूसरी हम एक अपील और करते हैं देश की जनता से कि जो भी आप खरीदारी करें वो देश के बाजार से करें, बजाय अमेरिकन कंपनियों के करने के। तो ऐसी दीपावली अगर आप मनाएंगे तो आप दूसरे को खुशी देंगे, क्योंकि हम दीपावली पर यही शुभकामनाएं देते हैं कि दीपावली मंगलमय हो, दीपावली खुशियों से भरी हो। तो खुशियां तो दूसरे को तभी मिलेंगी जब उसका जीवन आगे बढ़ेगा। अगर कोई व्यापार कर रहा है, कोई उद्योग चला रहा है, अगर उसकी दुकान चलेगी तब उसके लिए खुशी है, उसका उद्योग चल रहा है तब उसके लिए खुशी है। लेकिन अगर उसकी दुकान पर सन्नाटा है, उसके व्यापार में कोई गति नहीं है, तो उसके लिए दीपावली अच्छी नहीं है। इसलिए अच्छी दीपावली के लिए ये जो अपील है हमारी कि जो भी खरीदारी हम करें, कम करें, ज़्यादा करें, थोड़ी करें, करें वो बाज़ार से बजाय ऑनलाइन के। और दूसरा, सत्योदय के जो दर्शक हैं उन सबको मैं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और इस चैनल से अपील भी करता हूं कि सच को सामने रखें, हकीकत को सामने रखें, और जनता के दुख दर्द को आगे रखें ताकि उसका निराकरण हम सब लोग मिलकर सरकारों से करा सकें। ये दीपावली खुशहाली वाली हो, देश की जनता और व्यापारियों के लिए, सबके लिए मंगलकारी हो। और आजकल के व्यापार को जिस तरह विदेशी कंपनियों ने ग्रहण लगा दिया है, जिससे व्यापार खत्म हो रहा है, आम आदमी बाजारों में नहीं जा रहे हैं खरीदारी करने, व्यापारियों का व्यापार चौपट हो रहा है, जो हजारों व्यापारियों को, हजारों लोगों को नौकरी देने का काम करता है, क्योंकि सरकारों के पास नौकरियां नहीं हैं, सरकारों के पास लोगों को, नौजवानों के लिए कुछ नहीं है। और एक व्यापारी समाज ही ऐसा है जो हजारों करोड़ों लोगों को नौकरियां देता है, समाज को चलाता है, और देश की जनता को और सरकारों के रीढ़ की हड्डी है। मैं चाहता हूं कि उन ऑनलाइन कंपनियों पर रोक लगाई जाए, उन पर अंकुश लगाया जाए। खुदरा व्यापार के लिए मैं आम जनता से और सभी से मैं अपील करता हूं कि बाज़ारों में जाएं, खरीदारी करें, ऑनलाइन कंपनियों का विरोध करें। और सूर्योदय चैनल को और उनके दर्शकों को मैं हार्दिक शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं कि इस दीपावली आप सब इस दीपावली के त्यौहार खुशहाल बने और खूब व्यापार बढ़े और सबको समुदाय हो। धन्यवाद। दीपावली जो बाज़ार में इस वक्त हम लोगों ने तैयारी करी है उसके अनुरूप तो अच्छी होनी चाहिए, और हम सभी आशान्वित हैं। और पिछले नवरात्रि में भी देखा गया है कि बाज़ार जो मंदे थे उसमें ग्राहक अब निकलना शुरू हुआ है, और दीपावली के साथ साथ आने वाले सीजन में शादी ब्याह का भी मौसम रहेगा, शादी ब्याह का भी सीजन रहेगा, उसको देखते हुए लोग दोनों काम एक साथ कर सकते हैं। और पहले भी देखा गया है कि जिनके घरों में शादियां रहती हैं वो दीपावली धनतेरस पे आकर अपनी खरीदारी शादी वाली भी कर लेते हैं और दीपावली का पर्व भी मनाते हैं। हम समस्त प्रदेशवासियों को और देशवासियों को आपके सत्योदय चैनल की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, और आशा करते हैं कि लोग घरों से निकलकर अपने इष्ट, अपने देव, अपने आराध्य के प्रति समर्पण भाव रखते हुए बाजारों में रौनक जरूर लाएंगे। धन्यवाद। दीपावली कैसी होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आपके सारे व्यूवर्स को, बाकी हमारे सारे साथियों को, समस्त व्यापारियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर वर्ष की बात, हम लोग की अपेक्षा यही है कि दीपावली मंगलमय हो, माँ लक्ष्मी का पूजन हम लोग पूर्ण अपनी भक्ति के साथ करें, और ये आने वाली दीपावली सभी व्यापारियों के लिए सुख समृद्धि और शांति लेकर आए। हम सभी व्यापारियों की ओर से आपके सत्योदय न्यूज़ को दीपावली की, आपके व्यूअर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, ये दीपावली कैसी होनी चाहिए? आपको पहले दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और दीपावली का ये है कि अब आने वाले टाइम में व्यापारियों का काम बढ़े और ऑनलाइन थोड़ा कम हो। व्यापारी जो है सब माल लगाए बैठा रहता है, ऑनलाइन ज़्यादा चल रहा है। अब ये हम लोग चाहते हैं कि व्यापारियों का काम बढ़े, ऑनलाइन काम कम हो।
हमारे 74 व्यूअर्स को आप क्या कहना है? आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपकी दिवाली बहुत मंगलमय हो। दीपावली कैसी होनी चाहिए? दीपावली बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप गवर्नमेंट की तरफ से लोगों को बोनस मिल गया है, तो उम्मीद करते हैं मार्केट अच्छा चलना चाहिए। और दीपावली का त्यौहार हमेशा अच्छा ही होता है, क्योंकि ये त्यौहार रोशनी का त्यौहार है और इसका प्रतीक विजय का प्रतीक त्यौहार है, इसलिए दीपावली अच्छी होनी चाहिए। लास्ट में जो है सबसे व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहेंगे? इसको सीधा बंद कर लिया। हाँ बताइए, सत्यदेव व्यूअर्स को सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सत्यदेव के व्यूअर्स को हार्दिक बधाई देता हूँ दीपावली की, और शुभकामनाएं देता हूँ।